आज कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके बारे में बहुत कुछ आपने पहले भी सुना होगा। कहानी उस लड़के की जिसका जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस संघर्षपूर्ण जीवन में भी उसने एक ऐसी सामाजिक कार्यों की मिसाल पेश कर दी जिसके कारण लोग उन्हें आज भी बड़े ही सम्मान के साथ याद करते हैं। वो नाम कोई और नहीं, राजस्थान का एक बहुत बड़ा नाम है जिसका नाम है कुंभाराम चौधरी। कुंभाराम एक ऐसे महान व्यक्तित्व है जो राजस्थान के किसानों का मसीहा बन गए, राजस्थान के किसानों का उन्होंने इस स्तर से ऊंचा उठाने का काम किया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तैयार किया गया उसके द्वारा एक झटके में किसानों को मालिकाना हक, अपने खेतों का जो जमीन है, किसान जोत रहा था उसका मालिकाना हक प्राप्त हो गया। उनका एक ऐसा कानून जिसके द्वारा किसानों को इतनी बड़ी राहत मिल गई जो अकल्पनीय थी। किसानों के लिए वो एक भगवान से कम नहीं थे। उन्होंने किसानों के लिए जीवन भर किसानों के दर्द को अपने हृदय में लेकर चलते रहे जिसके कारण उन्होंने किसानों के लिए ऐसी अमिट छाप है वो छोड़ी है जिसके लिए सदैव उनको याद किया जाएगा। तो आइए उनके जानते हैं कुछ बचपन के किस्सों के बारे में। कुंभाराम जी का जन्म 1914 में पंजाब के एक गांव खेरा गांव में उनका जन्म होता है। उसके बाद नोहर तहसील के ग्राम फेपाना में उनका बचपन है, वो वहाँ पे गुजरता है और वहीं पर उनकी प्राथमिक शिक्षा है वो पूर्ण होती है। इसी बीच कुंभाराम के साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी भी होती है, यानी उनके पिता का साया चला जाता है और उनकी माँ एक बड़े दुखों का पहाड़ के नीचे दब जाती है और कुंभाराम का परिवार पूरी तरीके से बिखरने जैसी मोड़ पे आ जाता है। फिर भी कुंभाराम की माँ ने ऐसा संघर्ष, ऐसा जज्बा में कायम रहा और कुंभाराम की पढ़ाई को जारी रखा। सुनते हैं कि जब कुंभाराम जी स्कूल जाते थे तो उनके माँ से मिलने वाली औरतें हैं वो उनके बारे में कहा करती थी, बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, क्यों इसके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उस समय शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, शिक्षा का महत्व नहीं समझते थे लोग, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का प्रवेश ही नहीं हो पाया था। लेकिन कुंभाराम की माँ है वो हमेशा अपने निश्चय पर अटल रही। उनके साथ मिलने वाली औरतें उनको एक ताना देती थी कि कौन से अपने बेटे को
तुम थानेदार बनाओगी जो इसके लिए स्कूल भेज रहे हो। लेकिन समय गुजरता गया और कुंभाराम ने प्राथमिक शिक्षा तो पूर्ण कर ली, लेकिन उसके बाद बाहर जाने के लिए आर्थिक स्थितियां, पारिवारिक स्थितियां हैं वो आड़े आ गई। इन स्थितियों में उनके लिए बाहर पढ़ना एक बहुत बड़ी मुश्किल से कम नहीं था और वो बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण है नहीं कर पाए। कुंभाराम के जीवन का ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसमें कुंभाराम है एक बार के लिए ठीक दबाव में चले गए, लेकिन उसके बाद कुंभाराम ने वन विभाग यानी जंगलात की नौकरी के अंदर भर्ती हो गए। मात्र 14 साल की उम्र में जंगलात की नौकरी में उन्होंने कार्य करना शुरू किया और वहाँ पर भी कुंभाराम के व्यवहार, कुंभाराम के रहन सहन से वहाँ के अधिकारी थे वो इतने प्रभावित हुए कि कुंभाराम उनका सहेता बन गया। लेकिन विभिन्न कारणों से वो नौकरी भी कुंभाराम को गंवानी पड़ी, क्योंकि उसके कई कारण हैं वो माने जाते हैं। मुख्य कारण ये माना जाता है कि कुंभाराम चोरी छुपे किसानों को जागृत करने का और आज़ादी आंदोलन में भाग लेने लगे थे। लेकिन जैसा भी हो उनकी वो नौकरी से उनको निकाल दिया। कुंभाराम के जीवन का ये एक बहुत बड़ा संकटमय समय था जिसमें कुंभाराम ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को संभाला और उस समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने उस समय के नेताओं के प्रोग्रामों में हिस्सा बने और आज़ादी आंदोलन के प्रति उनकी दिलचस्पी है वो एक नया रूप है वो लेने लगी। उनको किसानों के दर्द को लेकर उनके मन में एक बड़ी पीड़ा थी और उस पीड़ा भी ऐसी थी जिसको परिवार का पालन पोषण करते हुए उनको किसानों की भी पीड़ा से मुक्त करना था। उसके बाद बीकानेर रियासत में उनको पुलिस विभाग में एक नौकरी के पद पे भर्ती होते हैं और उनके व्यवहार, उनके रहन सहन और उनके तन में अपनी पैठ के दम पर वो थानेदार पद तक का सफ़र है वो तय करते हैं। थानेदार का सफ़र तय करने के बाद उनका माँ का एक सपना और जो औरतों का दिए हुए ताने थे उनको साकार कर पाए, यानी माँ का सपना पूरा किया। माँ के सपने को पूरा करने के बाद उन्होंने अपना असली सपना जो किसानों के दर्द को कम करना था उसको भी पूरा करना था। किसानों के दर्द को वो हमेशा साथ लेकर के चलते थे। बीकानेर रियासत में रियासत की नौकरी करते हुए भी उन्होंने किसानों के दर्द को समझते हुए किसानों में जन जागृति, न्यायप्रियता जैसे किसी के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना और इसके साथ ही आज़ादी आंदोलन में गांधी और नेहरू जैसे लोगों के साथ भी संपर्क स्थापित किए और उनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन था उसमें भी भाग लिया। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना रियासत के बड़े अधिकारियों को लगने के बाद उनको नौकरी से निकाला गया और यहाँ तक नौकरी से निकाला ही नहीं गया, उसके बाद उनको राजद्रोह के केस में उनको देश निकाला भी दिया गया। इसके बाद उनकी
संपत्ति को भी कुर्क किया गया, जिसके उनके पैफाना ग्राम में उनकी बूढ़ी माँ और मात्र एक कच्चे मकान में दो चार बर्तन मिले थे। कुर्की करने आए अधिकारियों को ग्राम वालों ने इस तरीके से भगा दिया जैसे किसान अपने खेत में घुसे हुए सांड को भगाता है। कुंभाराम ने फिर अंदरूनी तरीके से रहते हुए किसानों को जागृत करने का कार्य हमेशा जारी रखा, नौकरी खो दी, लेकिन अपने लक्ष्य पर हमेशा अटल रहे। उन्होंने किसानों को ऐसी जागृति और ऐसी उनको शक्ति प्रदान कर दी कि किसान अब मरने मारने के लिए तैयार हो चुके थे, और ऐसी उन्होंने सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई है वो छेड़ दी थी, जिसका अंत एक बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और सामंतशाही का पूरी तरीके से सफाया हो गया। उनके जीवन में एक मटके का मोड़ भी आता है, वही मटके का मोड़ जिसके कारण पिछले दिनों जालौर में एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वही मटके वाला मोड़ उनके बचपन के दिनों में एक अपने पंडित परिवार से संबंध रखने वाले मित्र के घर जाकर के खेल खेलते वक्त एक बड़ी मटकी के पीछे छुपने को लेकर हुआ था। वो वाकया ऐसा था कि मटकी के हाथ लगा देने मात्र से उस घर की पंडिताइन ने उनको ऐसा थप्पड़ मारा कि वो जीवन भर उस थप्पड़ को कभी नहीं भूले। उस मटकी का मोड़, उस मटकी के वाले मोड़ से उन्होंने अंदर से झकझोर के रख दिया, और उस समय से वो इन छुआछूत जैसी बीमारियों के इतने खिलाफ हो गए कि उन्होंने जीवन भर उनसे लड़ाइयाँ लड़ी और एक समानतावादी समाज का निर्माण करने में बहुत बड़ी रूपरेखा उन्होंने बना कर दी। उनका लगाव आर्य समाज, जो एक वहाँ उस समय की विचारधारा पर प्रबल था और लोगों में समानतावादी रास्ते पे चलने का आह्वान करता था, उसके साथ मिल करके आर्य समाजी बहाव में चल करके उन्होंने लोगों को जागृत किया। कुंभाराम आर्य आज़ादी आंदोलनों के बाद जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद कैबिनेट में राजस्व मंत्री का पद उन्होंने स्वेच्छा से लिया। उनको कहा जाता है कि उनको और भी पद, बड़े मंत्री जो बड़े मंत्रालय हैं वो भी उनके लिए ले सकते थे उन्हें, लेकिन कुंभाराम का सपना, कुंभाराम के दिल में दर्द किसानों के लिए था, इसलिए किसानी संघर्ष, किसानों के दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने राजस्व मंत्री का पद संभाला, और उस पद पे रहते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली। किसानों को मिली इस राहत के कारण किसान उन्हें आज भी याद करते हैं। कुंभाराम एक ऐसे नेता थे जो औपचारिकता में बिल्कुल भी समय जाया नहीं करते थे। कुंभाराम एक ऐसे नेता थे जिनके पास यदि कोई किसान चला जाता था जिसके पास कागज या चिट्ठी नहीं होती थी, तो उनके लिए आदेश
उसको किसान के हाथ के ऊपर लिख देते थे और वो लिखी हुई बात अधिकारियों को माननी पड़ती थी। ऐसे नेता थे किसान कुंभाराम आर्य। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहें।